6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1,00,000 लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान हमने पहले ही किया था और इसकी जानकारी अब लगभग सारे देश भर के लोगों को हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार का अब डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये मोर्चा हम लोगों ने निश्चित किया और हर हालत में होगा, हर परिस्थिति में होगा। पुलिस इसकी परमिशन देते हैं तो होगा, नहीं देते हैं तो होगा, क्योंकि पुलिस परमिशन यदि इनकार करते हैं तो वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। अगर पुलिस वाले संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनकी बात हम क्यों माने? हम तो संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए जो संविधान का उल्लंघन करने वाले पुलिस फोर्स के लोग हैं उनकी बात हम मानने वाले नहीं है। इसलिए कह रहा हूं हर हालत में, हर स्थिति में कम से कम 1,00,000 लोगों का मोर्चा होगा ही होगा। वैसे सारे देश भर की जो जानकारी मेरे पास अभी तक आई है उसके अनुसार 1,50,000 लोग आने की तैयारी में है और इसकी तैयारी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1,50,000 से ज्यादा गांवों में हो रही है। इसलिए इस तैयारी के अंतर्गत हमारे लोग सारे देश भर में इसकी तैयारी में जो मीटिंगें कर रहे हैं, मैं उनको इस बात की अपील भी करता हूं कि जहां जहां भी वो आप तैयारी के लिए मीटिंगें कर रहे हो उन मीटिंगों के वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया में वायरल किया जाए ताकि देश भर में तैयारी चल रही है उसकी जानकारी तमाम देशवासियों को हो सके। ये किया जाना जरूरी है और संगठन के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि उसके वीडियो निकालकर सारे देश भर में सोशल मीडिया में वायरल किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिन मुद्दों के लिए ये महामोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर जा रहे हैं उसका पर्चा प्रिंट करके हम लोग घोषित कर चुके हैं, सारे देश के लोगों को ये पर्चा पहुंचाया गया है और सोशल मीडिया में इस पर्चे को आउट किया गया है, प्रिंट करके छाप दिया गया है। जिनको नहीं मिला वो सोशल मीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से लेकर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। उसमें लगभग 12 मुद्दे हैं। 13वां मुद्दा यह है कि वामन मेश्राम और डॉक्टर विलास खरात का फोन टेपिंग केंद्र सरकार के द्वारा किया गया जो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक काम किया है आरएसएस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने, तो ये डबल इंजन की सरकार ने ये संविधान विरोधी काम किया है उसके सारे दस्तावेजी सबूत भी हमारे पास है। ये भी एक भयंकर कार्य इन लोगों ने किया, ये संविधान के विरोध में इन्होंने काम किया, इसके विरोध में भी ये मोर्चा निकाला जा रहा है और इस मोर्चा के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे देश भर के लोगों को इसके लिए अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया जाना जरूरी है। यह मोर्चा संविधान की रक्षा करने के लिए तो है ही है। संविधान की हम रक्षा क्यों करना चाहते हैं? तो ब्राह्मण धर्मी लोगों का जो संविधान था मनुस्मृति, उन्होंने हमारे अधिकारों को समाप्त कर दिया था, मगर 26 जनवरी 1950 के द्वारा जो संविधान लागू किया गया उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ओबीसी के लोगों को,
माइनॉरिटी के लोगों को, कुनबी मराठा लोगों को और देश भर के तमाम उन लोगों को अधिकार बहाल किए हैं, तो उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए भी ये मोर्चा निकाला जा रहा है। तमाम देश भर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और कुनबी मराठा लोगों को अपील किया जाता है कि ये इस मोर्चा में पूरी ताकत के साथ सहयोग करे। वैसे जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं उनको जो सोशल मीडिया में हमने ट्रेंड चलाया उसके अनुसार 88% नॉन बीजेपी पार्टियां हमारे इस मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद भी देता हूं। जो सारे देश भर में हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, आज शाम तक या रात तक तैयारी के कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1000 वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किए जाने चाहिए, ऐसा मेरी अपील है। ये अपील करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।